हम लोगों के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं तो पूरी तरह से हम लोग को उम्मीद है कि निश्चित रूप से सफलता मिलेगी मैं सभी शिक्षा मित्रों या अनुदेशकों या सौर साथियों से कहना चाहूंगा कि हिम्मत हारना कोई अच्छी बात नहीं होती हमें हमेशा हर परिस्थिति में संघर्ष करते और आगे बढ़ते रहना चाहिए अभी हम लोग प्रेरणालय कली विजयादशमी हुई है विजयादशमी भगवान राम के जीवन को आप देखिए जो व्यक्ति वन में है अकेले हैं केवल दो भाई हैं और उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जिसका दसों दिशाओं में कोई सामना करने वाला वाला नहीं था वो उस समय हिम्मत हार सकते थे सोच सकते कि भाई हमारी सीता को वो ले गया वो कहाँ है कैसे ढूंढेंगे हम दो भाई कैसे लड़ेंगे रावण से वो कैसे समुद्र पार जाएंगे कैसे करेंगे लेकिन आखिर दोनों भाइयों ने वो कर दिखाया ना तो ये हिम्मत हारना तो कोई बढ़िया बात नहीं है और मैं इन सब नेतागणों से भी कहना चाहूंगा भाई विक्रम जी आपसे अजय जी आपसे भी शुक्ला जी और सब साथियों से कि हारी हुई बातें मत किया कीजिए बहुत उम्मीदें जता देना जगा देना और फिर उन्हें निराशा का वातावरण बनाना तो उसे डिप्रेशन आता है और आदमी टूटता है तो टूट नहीं होनी चाहिए जिनके पास ये भी नहीं है वो भी तो गुजारा कर रहे हैं ना वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं ना वो भी तो जी रहे हैं तो ये टूटने का कोई मतलब नहीं है इससे तो मुझे और जो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो सब लोग हिम्मत से काम लें तो कोई बात नहीं विधायक जी जब हम आपसे अपने तो तो से तो कमजोर तो वाले की तो पर तो पर पर बात सोचने तो लगते तो लगते हैं विधायक जी जैसे ही हम अपने से कमजोर वाली लाइन की बात करने लगते हैं हमें पता लगता है कि वो कैसे जीता है उसी दिन हमारा लेवल बराबर हो जाता है और हमें ये सब चीजें जीवन में हमें सोचने के हाँ मिश्रा जी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा देखिए मनुष्य ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है जब हम अपने से नीचे देखेंगे तो हमें लगेगा हमसे बहुत ज्यादा तंग हाली में जीवन जीने वाले बहुत लोग हैं हम उनसे बेहतर हैं हम उनसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं हमारी जो प्राप्त नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा में तो साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे रीसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे सभी साथी वीडियो को पूरा देखें चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर ले अब चलते हैं अपडेट पर क्या है वो उनसे ज्यादा है और जब हम अपने से ऊपर देखेंगे तो ऊपर की कोई सीमा नहीं है आप कितना ऊपर देख लीजिए लोग तो हमारे देश को भी गरीब बताते हैं व्यक्ति की तो बात छोड़ दो पूरे देश को गरीब देशों में गिना जाता है तो ये हमको अपना मानसिक जो लेवल है वो फिट रखना चाहिए ठीक रखना चाहिए हम अपना कर्म बेहतर से बेहतर करते चले हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले कामयाबी तो जरूर चरणों में आएगी साथ ही अभी आपने जो मिश्रा जी बताया और विक्रम को जी भी आपको बधाई देता हूँ आप मान्य मुख्यमंत्री जी से मिली आए तो उन्होंने जरूर आपको आश्वस्त भी किया होगा और मैं चूंकि भाई जनता का प्रतिनिधि हूँ आप सब शिक्षकों का प्रतिनिधि हूँ तो हमारा तो काम ही है आपके और सरकार के बीच में पुल का काम करना आपके और मान्य मुख्यमंत्री जी के बीच में पुल का काम करना आपकी बात उन तक पहुंचानी उनकी बात आप तक पहुंचानी तो हमने तो आपकी बात प्रॉपर ढंग से पहुंचाई है और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से भी लिया है और उस पर कार्यवाही भी आरंभ की है वो आप लोगों ने देख लिया तो उसी के घटना तहत ये घटनाक्रम भी घटित हुआ था कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के ऑफिस में आप सब अधिकारियों के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई आपके उन्होंने प्रस्ताव मांगे जो जो आप लोग चाहते हैं वो बातें है आपकी सुनी वो सब मान्य मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कस होनी है प्रस्ताव वहां जाना है हमें ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता मिलनी है आपका काम होना है आप सबका मानदेय बढ़ना है और उसका एक आगे के लिए कि मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा कि बार बार विषय ना उठाना पड़े कि एक महंगाई के आधार पर एक सिस्टम जनरेट हो जाए तो उसके अनुसार आप लोगों का मानदेय बढ़ता रहे और व्यवस्थाएं ठीक से चलती रहें बाकी संतुष्टि असंतुष्टि जीवन भर चलती रहती है